25 वर्ष हो गए जो निर्मल जी सेठी पूरे भारत वर्ष में महासभा की धुरा संभाल रहे। आगम एवं परंपरा अनुसार जो कार्य होना चाहिए वो कार्य का उन्होंने पूरा की पूरा निर्दिष्ट करते हैं। प्राचीन जीर्णोद्धार जो क्षेत्रों की होना चाहिए वो उसके लिए भी उन्होंने एक व्यवस्था बनाई। जटवाड़ा में जब अधिवेशन हुआ था 1998 में, जब भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा का निर्माण हुआ, और उससे तो आज तक का करीबन 20 करोड़ रुपए प्राचीन तीर्थ के संवर्धन संरक्षण के लिए खर्चा किया गया महासभा के द्वारा आपसे ही लेकर। उसी प्रकार भी श्रुत संवर्धि आ गई कि भाई संरक्षण होना चाहिए जिनवाणी का भी और महासभा का भी। जो बात है कि बच्चों का शिक्षा हेतु मेडिकल हेतु जो मदद होना चाहिए, 2006 में श्रुत संवर्धनी का निर्माण हुआ 2004 में, उसके पश्चात महिला महासभा भी, महिला भी महासभा से जुड़ी भी थी, लेकिन 2006 के अंदर महिला महासभा को भी एक नया स्वरूप दिया गया और महिला महासभा का ही इस भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के अंतर्गत निर्माण किया गया। उसी प्रकार युवा महासभा और राजनीतिक चेतना मंच ये सभी निर्माण करते हुए महासभा का कार्य पूरे भारतवर्ष में चल रहा। आज हम सभी यहाँ पर दिगंबर जैन महासभा के महाराष्ट्र प्रांतीय नैमित्तिक अधिवेशन के लिए आचार्य श्री के मंगल सानिध्य में संपन्न हो रहा उपस्थित हुए, मैं आप सभी का इस मंच के द्वारा स्वागत करते हुए आगे के मंच प्रस्तावना के लिए मैं श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जी सेठी को माइक सौंपता हूँ। मंगलम भगवान वीरो मंगलम, मंगलम गोत्म गणि, मंगलम कुंद कुंद आदेव, जैन धर्मोस्त मंगल, नमो हरिंताणम, नमो सीताणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोसुषम। बोलो भगवान आदिनाथ भगवान की, नेमनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, बोलो महावीर भगवान की, चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, आचार्य बिमल साहिब जी महाराज की, आचार्य विराग साहिब जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य विशुद्ध साहिब जी महाराज की, बोलो समस्त मुनि संघ की, पूज्य आचार्य श्री समस्त मुनि संघ त्यागी वृद्ध विद्वत वर्ग उपस्थित, हमारे महासभा के महाराष्ट्र प्रांत के अध्यक्ष सुमीर जी काला, कार्याध्यक्ष देवेंद्र जी काला, डीबी ठोले, महावीर जी ठोले और महासभा के सुरत के तीर्थ के महिला महासभा के अध्यक्ष गण, उपस्थित मानवा माताओं बहनों, मुझे आज बहुत खुशी है कि मुझे औरंगाबाद आना पड़ा, और क्योंकि आपने विशुद्ध सागर महाराज को बुला लिया है, शायद मैं नहीं तो नहीं आता उनके आने से मुझे कोई उनसे मतलब था, काम था, तो इसलिए मुझे आना पड़ा मुझे बहुत खुशी है क्योंकि विराग साहब जी महाराज की जब दीक्षा यहाँ हुई थी तो मैं यही था, आपकी इसी जगह था, और मैंने जो धर्म का काम जो थोड़ा बहुत कर रहा हूँ उसकी प्रेरणा देने वाले हमारे आचार्य बिमल साहब जी महाराज थे। एक दिन महाराज सीतापुर में महाराज आए, वहाँ कार्यक्रम था, वेदी प्रतिष्ठा का एक शिखर बना था उसका, तो महाराज जाने लगे। मैंने महाराज को कहा, महाराज अष्टाने का है, मेरा मन है सिद्ध चक्र विधान करने का। तो बीमा साहब महाराज ने कहा, बोलते ही बोले, तुम सूर्य ग्रहण कर नियम ले लो, मैं यहाँ रुक जाऊँगा उसी समय 2-3 दिन से हमारे मन में भावना थी, मेरी पत्नी और हमने दोनों ने सुजल ग्रहण करने का नियम ले लिया, और उसी कारण आज मेरा जीवन बदली हो गया। नहीं तो मैं बीकॉम पढ़ता था, काजड़िया मेरे सातवें क्लास फेलो था, सिंगानिया के भरतरी सिंगानिया मेरा क्लास फेलो था, अब मैं उनके साथ जाता, होटलों में ठहरता, आपके यहाँ क्यों आता मैं। तो कहने का मतलब है कि आचार्य बिमल साहिब महाराज की देन है। एक बार कनकदेव जी महाराज के दर्शन करने गया, मुझे पूछते हैं तुम्हारी सीतापुर की मिल कैसे चल रही है, मेरे कहा महाराज आपको सीतापुर के बारे में कैसे पता चल गया तो मुझे बोलते हैं
जब विमल साहिब महाराज जब थे तो मैं उनके साथ